हम जब क्लास में शुरुआत करें जहाँ पे बच्चे पहली बार इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में भी इंग्लिश भाषा यूज नहीं होते हैं, ये बात भी हम जानते हैं। जी एंड क्लासरूम में जब बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये एक उनके लिए एक नया भाषा है। तो जरूरी है कि क्लास उनके आसपास में जो चीजें हैं जो वो ऑलरेडी जानते हैं उनको यूज करके ही बच्चों को ओरल लैंग्वेज डेवलप करने में हम मदद करें। विदिशा आप भी अलर्ट रहिएगा, यहाँ पे ओके मैं कुछ पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ जो 3-4 सेकंड के लिए ही स्क्रीन पर रहेगा। जी एंड हम सभी को उस जितने भी पिक्चर्स दिख रहे हैं उनको अच्छे से देख लेना होगा और याद रखना होगा। मैं स्क्रीन हटा दूंगी एंड उसके बाद आपको बतानी है कि आपने क्या-क्या देखा है। तो आई थिंक विदिशा आप भी तैयार है, हमारे शिक्षक बिल्कुल साथी भी तैयार है। जी, आई होप हमारे सारे साथी रेडी हैं, क्योंकि दो ही भी सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए दिखाएंगे जैसा कह रही है। प्लीज दो ही भी, लेट्स स्टार्ट। ये रहा हमारे पिक्चर्स। ओ बहुत सारे हैं, जी हाँ, काफी अच्छे से देख लीजिए और मैं स्क्रीन हटा रही हूँ। ओके। तो विदिशा आप बताइए, हमारे शिक्षक साथी भी बताएगी कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपने देखा है इस पिक्चर दो में। भी, ये तो 2-3 सेकंड में तो मैं 2-3 ही चीजें मुझे याद है। चीजें तो बहुत सारी थी, आई थिंक 9 ऑब्जेक्ट्स थे इतना मुझे याद है, लेकिन याद जी मुझे केवल एक या दो ही है। तो उषा, उषा जी ने उषा जी कहा ने है कि बॉल और पेन था। थैंक यू उषा जी। हाँ, बॉल पेन था, दो भी, एक पेंसिल भी था जहां तक मुझे जी याद है, बिल्कुल एक पेंसिल था, पेपर था। उषा जी को सारे बिल्कुल, याद है उनको उनको सभी याद हो सारे गया याद है। है। महेश, सुनीता जी भी आ गए हैं तो वो भी बिस्किट, पेन शेयर कर रहे रबर। हैं। जी जी हीना जी ने बिस्किट शेयर किए हैं, जी बिस्किट पेन बुक। जसदेव ओके जी कह रहे नौ टोटल चीजें जी, थी। सुनील जी ने कहा है पेन, मोबाइल। जी, मोबाइल मोबाइल भी था, बिस्किट, बॉल, और जी इरेजर था। जगदीश जी थैंक यू, इरेजर था। फुटबॉल कह रहे चौक, अश्विनी जी, प्रीति चौक शर्मा था। जी चौक था। जी जी बिल्कुल, जी और बिल्कुल, डस्टर भी था। डस्टर कोई भी, अब याद आ रहा है मुझे कि एक डस्टर भी था, पेपर भी कह दिया है हमारे। तो आई थिंक सारे ही ऑप्शंस हमारे साथियों ने बोल दिया है। मुकेश जी थैंक यू, डस्टर आपने याद दिला दिया। जी बिल्कुल। तो जी अभी आई थिंक देखते हैं हम कि आप हमारे शिक्षक साथियों ने भी कितने सारे ऑब्जेक्ट्स याद कर लिए और सारे नाम शायद हमारे पास आ गए हैं। तो ये बिल्कुल रहा विदिशा। इस एक्टिविटी को एक तो हम क्लासरूम में जब कर रहे हैं इसको जी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे बच्चे क्लास 1-2 के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको मजा आए, तो ऐसे ही क्लासरूम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, पेंसिल होते हैं, पेन, ये सारे बड़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं और उनको हम क्लासरूम में टेबल पर रख सकते हैं, या अगर हम बच्चों को गोले में लेकर ये गेम खेल रहे हैं तो हम बीच में रख सकते हैं, और एक पेपर ले लीजिए, या आपके पास अगर कपड़े हैं तो उनसे ढक दीजिए सारे जी ऑब्जेक्ट्स को, और बच्चों को ऐसे ही 2-3 सेकेंड्स के लिए दिखाकर उसको ढक दीजिए एंड जी बच्चों को पूछिए कि आपने क्या क्या देखा। तो बच्चे उन ऑब्जेक्ट्स को याद करके बोलने की कोशिश करेंगे। और जी जैसे यहाँ पे एक खास बात यह है कि जो वर्ड्स मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ इधर, तो वो सारे इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं एंड बच्चे आम जिंदगी में भी यही वर्ड्स इनको इंग्लिश में ही बोलते हैं, इनको जी हिंदी में नहीं बोलते हैं ज्यादातर, इनको हिंदी में नहीं बोलते हैं, हाँ पेन को हाँ पेन ही बोलते हैं, मोबाइल को जी मोबाइल बोलते हैं। जी तो उनके आसपास में जो लैंग्वेज वो जानते हैं उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं एंड आफ्टर दिस एक्टिविटी हम सारे वर्ड्स को बोर्ड पर लिख लेंगे। जैसे जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने छोटे छोटे लेवल्स यूज किए हैं, तो ऐसे ही बोर्ड पर सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं, और बच्चों आप हो सके तो वर्ड कार्ड भी बना सकते हैं एंड सारे वर्ड्स के साथ एसोसिएट करके आप दिखा सकते हैं। तो बच्चों को ये पता चलेगा कि जो पेंसिल है, पेंसिल लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो जी वो एक तो बच्चों को ओरल लैंग्वेज डेवलप हो रहे हैं और बच्चे रीडिंग भी कर रहे हैं। जी विदिशा दो भी, तो मुझे लगता है ये हम दोनों तरह से ही कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्प्ले के लिए कुछ चीज हो, टीवी, बिल्कुल प्रोजेक्टर, कुछ किसी तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको डिस्प्ले करके स्लाइड चेंज भी कर सकते हैं 2-3-4 सेकंड के बाद। और अगर हमारे पास ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, तो हम इसको गोले में बैठा करके
जिस तरह आपने सजेस्ट किया वो भी कर सकते हैं। तो इसका फोकस ये नहीं है कि बच्चों किसको कितने वर्ड्स या कितने ऑब्जेक्ट्स याद रहेंगे, बिल्कुल मेमोरी टेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को एक बार में नहीं रहता है याद, अगर वो एक दो चीजें ही बोल पाते हैं, तो हम उसको दोबारा दिखा सकते हैं और फिर मतलब ये प्रोसेस हम सेकेंड टाइम भी कर सकते हैं। अगर क्लास फर्स्ट के बिल्कुल बच्चे हैं, सेकेंड के बच्चे, उनको सारे वर्ड्स हो सकता है नहीं याद हो, 9-10 ऑब्जेक्ट्स है, तो हम एक सेकेंड टाइम के लिए भी उनको थोड़ी देर के लिए दिखा के फिर ढक सकते हैं। फोकस हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग और इंग्लिश लैंग इंग्लिश के वर्ड्स सिखाना है, ना कि मेमोरी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, बस ये क्योंकि एक फन तरीका है, सब कोशिश करेंगे बच्चे किसको कितना याद है, तो एक सॉर्ट ऑफ हेल्दी कंपटीशन जैसा भी क्लास में हो पाएगा।